बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खुश आमदेद, मरहबा, वेलकम पाक वेदर इन्फो में। चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए। घंटी दबाते ही ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन पर आपको हासिल होती रहेगी। आज रात और कल के दिन के मौसम की अहम तरीन रिपोर्ट के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में क्या सूरत हाल रही है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम ठंडा और खुश्क, जबकि शुमाली बलोचिस्तान और शुमाली इलाका जात में शदीद तरीन मौसम ठंडा रहा है। सबसे ज़्यादा जो बारिश कल हुई है वो गिलगित बल्तिस्तान चलास में 6 और स्कर्दों में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिक्र करते हैं आने वाले कल के दिन का, तो जुमतुल मुबारक के दिन मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ठंडा और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान मौजूद है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद तरीन धुंध छाए रहने की तवक्को है। प्यारे नाज़रीन, मुख्तसरन जिक्र कर लेते हैं सुबह वाइज, तो पंजाब का जिक्र करते हैं। आज रात में और कल के दिन में जो पंजाब की सूरत हाल है, सूबे के बेशतर ज़िला में मौसम ठंडा और खुश्क रहेगा। ताहम खिता पोटोहार, सियालकोट और नारोवाल में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि गुजरांवाला, लाहौर, खुशा, फैसलाबाद, टोबाटेक, सिंह, झंग, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, डी जी खान, खानेवाल, साहिवाल, खानपुर और रहीम यार खान में शदीद धुंध छाए रहने की पेशन गोई है। इस्लामाबाद का अगर जिक्र करते हैं तो इस्लामाबाद में आज रात में और कल के दिन में मौसम ठंडा खुश रहेगा, जबकि जुज़वी तौर पर अबर आलू रहने के साथ हल्की बारिश की पेशन गोई की जा रही है। बलोचिस्तान में मौसम ठंडा खुश रहेगा और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा ठंडा रहेगा। अगर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का जिक्र कर लेते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान बदस्तूर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा का अगर जायज़ा लेते हैं तो आज रात और कल के दिन में सूबे के बेशतर अज़ला में मौसम ठंडा और खुश्क रहेगा। ताहम चित्राल, दीर, करम, एबटाबाद, सवात, पिशावर, मानसर और मर्दान में बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान बदस्तूर मौजूद है। आखिर में जिक्र करते हैं सूबे सिंध का, तो सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम ठंडा और खुश्क रहेगा। ताहम सखर, लाड़काना में धुंध पड़ने का इम्कान है। मोहतरम और प्यारे नाज़रीन, अगर शहर कराची का जिक्र करते हैं तो कराची में फ़िलहाल ठंड बाकी रहने की पेशन गोई है और कल के दिन से कराची में ठंड बढ़ने की पेशनगोई की जा रही है। फ़िलहाल सिंध और कराची में आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जैसे कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह ताला आपको आगाह करेंगे। अपना, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली अपडेट में। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।